नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले भाग में हम ये आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, जब सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। जब अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, 5 माइनस रूट 3 प्लस 2 डिवाइड 5 प्लस रूट 3। यहाँ पर टू नंबर्स दिए हुए हैं, बीच में प्लस का साइन है। हम इनको रैशनलाइज करते हैं, ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी किया था। मान लीजिए अगर आपके पास ये नंबर होता तो आप कैसे करते? देखिए बच्चों, हम इसको मैं करना शुरू करता हूँ। हम इसको कैसे करते? 3 5 माइनस रूट 3, और क्योंकि हम माइनस का साइन है तो हम रैशनलाइज करेंगे, 5 प्लस रूट 3 डिवाइड 5 प्लस रूट 3। अब बच्चों ये प्लस का साइन आपको यहाँ पे लगाना होगा इसको सोल्व करने के लिए, और ये नंबर लिखेंगे 2 डिवाइड 5 प्लस रूट 3। इसको रैशनलाइज करना, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो हमें किस चीज़ का बनाना होगा? माइनस का बनाना होगा। तो 5 माइनस रूट 3 और डिवाइड 5 माइनस रूट 3। तो देखिए बच्चों, अब इनको हम करते हैं, तो वही तरीका अपनाना है। 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ कीजिए, 3 5 जा 15, तो आप यहाँ पे 15 लिखिए, 15, ये प्लस का साइन आना चाहिए। 3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये रूट में नहीं है, ये रूट में है तो हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 3√3 इस प्रकार। बच्चों अब देखिए नीचे, यहाँ पर सेम नंबर, यहाँ ये √3 √3, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? बच्चों अब आपको लर्न हो गया है, यस, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वेरी गुड, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये प्लस का साइन यहाँ पर लगाइए। बड़ा क्वेश्चन करना बड़ा आसान होता है, एक बार आपकी समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को सीख के अनेकों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 2 5 जा 10, माइनस 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 2√3। और बच्चों वही तरीका इसमें भी अपनाना है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वेरी गुड। ये देखो ये लिख दिया मैंने, इस 5 को मैं अच्छे से बना लेता हूँ। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को लिख दिया, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ऊपर वाला नंबर अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, नीचे वाले से करेंगे। देखिए तो ऊपर वाला जो नंबर न्यूमेटर जो है, इसको हम यू का यूँ लिखने वाले हैं, 15 प्लस 3√3। और अब देखिए बच्चों, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 25 माइनस, और √3 को 2 टाइम्स कीजिए, 3 आ जाएगा, वेरी गुड। प्लस अब इसमें भी वही करना है आपको, अब इसको सोल्व नहीं करना है, अभी इसको इसी फॉर्म में लिखना होगा, यूँ का यूँ डिनोमीटर को सोल्व करेंगे, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 25 और माइनस का साइन, √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके अब आगे हम करते हैं, अब देखिए बच्चों एक बार फिर इसको यूँ का यूँ लिख लेते, 15 प्लस 3√3। अब 25 में से 3 को माइनस कर दीजिए, यस 22, प्लस सेम नंबर वही 10, माइनस 2√3, और 25 में से 3 को माइनस करेंगे, 22, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब ये एक रैशनल नंबर बन गया, इधर भी तो, और बीच में आ गया प्लस का साइन। जब रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो उसमें आपको इनके डिनोमीटर को देखना है, आप इनके डिनोमीटर इक्वल हैं तो आप इनमें से एक डिनोमीटर को लेंगे, ये देखिए मैं लिख देता हूँ 22, और न्यूमेटर को आप प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। देखिए मैं लिखता हूँ 15 प्लस 3√3 प्लस 10 माइनस 2√3, ये देखिए ये मैंने लिख दिया। ओके अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर √3 है, ये √3 है, तो हम इसको अभी नहीं करेंगे, ये खाली डिजिट है, उसको सोल्व करते हैं, 10 और 15
15 और 10 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, 15 और 10 कितना होता है 25। आइए बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। अब देखिए बच्चों आगे रूट वाला से रूट थ्री, लेकिन ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो इसका मतलब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से जब 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है और 1 रूट 3 बच गया, और बड़ा नंबर जो होगा बड़ा नंबर ये है, इसके सामने प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना है और 1√3 आ गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसके आगे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 को नहीं लिखा जाता, लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं डिवाइड में 22। अब बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, देखा हमने कितनी आसानी से ये सोल्व हो गया। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए थे, अगर यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 रैशनल नंबर होते 6 रैशनल नंबर होते तो सबसे पहले आप उनका रैशनलाइज करेंगे, करने का तरीका सेम होगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, अगर आपके समझ में आ गया आपने इसको पसंद किया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इस क्वेश्चन को सीख कर अभी आप अपने सभी दोस्तों को सिखाएं। धन्यवाद।